हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी आई होप ऑल ऑल्फिया डूइंग ग्रेट फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया फाइव इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 75 फाइव टू एट्टी डेज फ्रॉम जीरो तो आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है मैंने डेट और नोटिफिकेशन पूरी वीडियो डिस्क बनाई थी और नोटिफिकेशन डिस्कस करी थी नोटिफिकेशन के अंदर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी बात किया है तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो जरूर देख लें एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है ना अब क्या इज इट पॉसिबल कि हम 75 फाइव टू एटी डेज में प्रिपेयर कर लें मैम हमारे तो बोर्ड्स भी चल रहे हैं हम तो ड्रॉपर हैं हमने पढ़ाई नहीं करी अब हमको करनी है तैयारी बता दो कर सकते हैं नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हो ठीक है ना बहुत ही स्मार्ट प्लान में लेकर आई हूँ देखो यार अगर आपको ट्राई करना है देखो फॉर्म तो आप भरोगे है ना वीडियो देख रहे हो तो मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जिनको फॉर्म तो भरना है ठीक है ना और आप कोशिश भी करोगे कि हाँ पेपर क्लियर हो जाए ठीक है ना तो क्यों ना एक स्मार्ट प्लान फॉलो किया जाए जिसमें कि बताया जाए कि भैया सिलेबस क्या है इस सिलेबस में से कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते आते हैं या फिर कौन से वो टॉपिक्स हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा आते हैं वो पहले कर ली जाएँ कौन सी बुक्स में से पढ़ें जहाँ से शायद मतलब हाँ ये पढ़कर मैं क्वेश्चन Solve o que ठीक है और कितने टारगेट क्या स्टडी टारगेट मेरा होना चाहिए कि मैं अपना पूरा पढ़ कर जाऊँ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ कर जाऊँ अच्छे से या फिर पूरा भी पढ़ कर जा सकते हो अभी भी ठीक है बट ट्राई करना है और ट्राई अच्छे वाला करना है देखो अगर आप हर रोज सुबह उठकर अपने आप को बोलोगे हाँ मुझे पता ही नहीं होगा पर चलो ठीक है पढ़ लेते हैं तो तो सच में नहीं होगा क्योंकि माइंड सेट चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है माइंड सेट को स्ट्रॉग रखने के लिए हर रोज अपने आप को सुबह बोलो येस आई कैन अचीव इट आई विल अचीव इट मेरे को जो टारगेट्स हैं वो मुझे अचीव करने हैं और फिर मेरा जो भगवान है वो मेरा पूरा पूरा साथ देगा यूनिवर्स विल हेल्प यू अगर आप अपने आप को हेल्प करेंगे चलिए आज स्टार्ट करते हैं ये सेशन बट उससे पहले कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ हम शेड्यूल फॉलो करेंगे हम अपना 100 परसेंट देंगे ठीक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका इलेवेंथ मे को देखिए आपका एग्जाम है 2024 के अंदर टेन ए एम टू ट्वेल्थ नून इसी टाइम के बीच में आप अपने मॉक टेस्ट भी देंगे जब भी मॉक टेस्ट देना है वो इसी टाइम पर देंगे और अगर ट्राई कर रहा है कि अगर टेन ए टू ट्वेल्व के बीच में आप पढ़ पाओ तो आप हर रोज पढ़ोगे क्योंकि इस टाइम आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना है मुझे कोई ये नहीं बोलेगा मैं तो आउल हूँ नाइट आउल हूँ जो मर्जी जो मर्जी आउल हो पिजन हो वॉट आप अपने आप को लाना चाहते हो बट टेन ए एम टू ट्वेल्व के बीच में आप पढ़ते हुए नजर आने चाहिए मुझे क्योंकि ये टाइम पे आपको अपना दिमाग एक्टिव करना है ठीक है ना यहाँ पर बी एल एल बी ऑनर्स है बी एल एल बी ऑनर्स सेल्फ फाइनेंस्ड है इसमें फीस में फर्क है ठीक है मॉक टेस्ट जो है आप लॉगिरी डॉट इन से बाय कर सकते हो और जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रही हूँ उस दिन चल रहा है ऑफर ये ऑफर अगर आपको अवेल करना है तो ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है लॉगरियन फाइव हंड्रेड कोड लगा के आपको ये जो मॉक टेस्ट है इस पर रुपीज फाइव हंड्रेड का ऑफ मिल रहा है ये ऑफर जो होता है ये लिमिटेड स्टूडेंट्स लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे होगी और लिमिटेड टाइम के लिए होगी ठीक है ना तो अगर आपका ये कोड नहीं लग रहा है तो मतलब कि ऑफर खत्म हो गई है ठीक है ना तो प्लीज़ ये मत कहना कुछ भी ऐसे वैसे मत बोलना बट येस ऑफर है अगर लेना है तो आप ले सकते हो और अगर मॉक टेस्ट के बारे में और जानना है इसके ऊपर भी वीडियो करी हुई है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेकआउट कर सकते हो एलिजिबिलिटी क्या मैम मैं ट्वेल्थ में हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में मैं एग्जाम बोर्ड्स uh, दे रहा हूँ मैं ये एग्जाम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ बिल्कुल दे सकते हो अपियरिंग ऑप्शन लगा करके आप अपना ये एग्जाम दे सकते हो मैम मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में बोर्ड्स दिए थे क्या मैं दे सकता हूँ येस yes, बिल्कुल दे सकते हो आगे चलेंगे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है देखिए सेल्फ फाइनेंस जो है उसकी फीस आपकी रुपीज फिफ्टी थाउजेंड हो जाती है पर ईयर की और जो वैसे है जो आ, सेल्फ फाइनेंस नहीं है वो फिफ्टीन थाउजेंड की है आपकी फीस तो ऑब्वियसली अच्छे नंबर लेकर आओगे तो कम फीस में पढ़ोगे ज्यादा कम नंबर लेकर आओगे तो ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी तो कम फीस देनी है तो मेहनत करो ठीक है अब उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है देखिए यहाँ पे लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन थर्टी क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज मैं यहाँ पे स्पेशल मार्क कर देती हूँ ये आपके लिए ठीक है ना अलग कलर से जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज थर्टी और फोर्टी यहाँ पर ये जनरल स्टडीज जो कि स्टैटिक जीके होनी चाहिए बट अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो कभी कभी इनकी स्टैटिक जीके भी ये करंट अफेयर्स में से ही निकाल कर डाल देते हैं तो आप फोर्टी प्लस क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड जो है फोर्टी मार्क्स की वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है फोर्टी मार्क्स ठीक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो टेन मार्क्स की और इसी के अंदर ये लॉजिकल रीजनिंग भी पूछ लेते हैं अगर हम पीवाई की उसको एनालाइज करें तो लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाती है पीवाई की उसको एनालाइज करें तो वहां पर आपकी लॉजिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन आए हुए हैं ठीक है जी उसके बाद आगे चलते हैं ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम टू आवर्स दिए जाते हैं एम सी क्यू फॉर्मैट में होता है 150 क्वेश्चंस होते हैं फाइव सेक्शंस होते हैं 150 मार्क्स का होता है वन मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर 0.25 पॉइंट टू फाइव और नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्किंग भी है मतलब गलत आंसर दोगे तो जीरो कटेंगे मार्क्स ठीक है नेगेटिव मार्किंग में क्वेश्चन को कैसे अटम्प्ट करना है क्या इंटेंशन कैसे बनाएं कैसे इंट्यूशन बिल्ड करें अगर इस पर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट कर देना मैं वीडियो ले आऊँगी स्टैटिक जीके की बात करेंगे सबसे पहले जिसको जनरल स्टडीज भी बोलते हो आप लोग ठीक है इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है ठीक है इसमें से जो सबसे टॉप पे टॉपिक्स दिए हुए हैं ये हम सबसे पहले कवर करेंगे साइंस जोग्राफी हिस्ट्री मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस हैं तो ये हम पहले कवर करेंगे कवर हम ये भी करेंगे बट पहले ये करेंगे से करना है यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम आती है अगर आपको बुक्स में कोई भी कंफ्यूजन हो तो सिंपली आपको डब्ल्यू 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 जाना है स्लैश लॉ बुक्स ये लिंक पर बना टाइप कर देना ठीक है वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है यहां पर बुक्स के लिंक दिए हुए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो यूनिवर्सल्स की बुक खरीदनी है ठीक है इसमें से आपको एम याद करके जाने कैसे एमसीक्यू याद करने क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शंस पढ़ी करेक्ट आंसर देखा अगर पता है कि जो आंसर है वो क्यों है ठीक है रीजन पता है बहुत बढ़िया बात है आगे मूव ऑन हो जाओगे ठीक है बट अगर रीजन नहीं पता तो गूगल कर कर अपनी नोटबुक में भी एक क्वेश्चन जो है लिख लोगे आंसर लिख लोगे और थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिख लोगे अगर एक्सप्लेनेशन के साथ याद करोगे मतलब अगर समझ कर याद करोगे एक्सप्लेनेशन याद कर, नहीं करनी है मतलब समझ के याद करोगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा ऐसे ही करके आपको सारे के सारे एम रट्टा मार लेने हैं बुक्स एंड ऑर्डर्स का जो नाम है वहाँ पर आर्ट्स एंड लिटरेचर नाम का टॉपिक मिलेगा यूनिवर्सल में से इंपॉर्टेंट फर्स्ट का टेबल मिलेगा अवार्ड्स आपके आर्ट्स एंड लिटरेचर वाले में हो जाएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स का भी टेबल बनेगा कंप्यूटर्स जो है वो वहां पे कवर्ड नहीं है कंप्यूटर्स आपको बाहर से कवर करना पड़ेगा ठीक है ना बाकी सारे टॉपिक्स आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से मिल जाएंगे कंप्यूटर्स मेरी ट्राई रहेगी कि मॉक टेस्ट के अंदर मैं अच्छा खासे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पर कवर करवा दो जो मेरे मॉकटेस्ट हैं लॉगिरी डॉट इन पर ठीक है ना इस टाइम पर हमारे पास इतना टाइम ही है तो यूनिवर्सल्स का ही हम कवर करके जाएंगे और किसी चीज का भी टाइम नहीं है बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हमको कवर करने हैं उसके बाद आता है करंट अफेयर्स मैंने करंट अफेयर्स का आपको बता दिया थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन चलो ऑन द लोअर साइड थर्टी क्वेश्चन भी कम नहीं होते वैसे फोर्टी क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको जून 2023 से लेकर के आपको कम से कम अप्रैल 2024 तक कवर कर कर आना है अगर बहुत अच्छा पेपर देना है तो फिफ्थ मे फिफ्थ मे 2024 तक करंट अफेयर्स कवर करके जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ठीक है अगर आप एजुगिरी को रेगुलरली फॉलो कर रहे थे ठीक है एजुगिरी मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स लेती हूँ हर रोज छः बजे अगर उसको फॉलो कर रहे थे तो तो अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करो ठीक है और जो आपके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करो और साथ में जो मैंने जनवरी ट्वेंटी से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज डालनी स्टार्ट करी है करंट अफेयर्स की आप तो उसी में से प्रैक्टिस करो ठीक है ना अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे थे मेरे करंट अफेयर्स देखिए यहाँ पर द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ठीक है अगर आप कहीं और से फॉलो कर रहे थे ठीक है तो बहुत गलत काम हो जाएगा द तो हिंदू बेस्ड क्वेश्चन जो बच्चों ने लिखा हुआ है ना मैं आपको दिखा देती हूँ एक वीडियो आपको दिखाती हूँ एक मिनट रुको वीडियो नहीं मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स का बताती हूँ यहाँ पर बच्चों ने लिखा हुआ है कि आपके ही यू नो मॉक्स में से क्वेश्चन आए थे मैं आपको यहाँ पर एक बच्चे का दिखाती हूँ एक मिनट रुको सॉरी मैं आपका टाइम वेस्ट करवा रही हूँ बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करवा रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ ठीक है यहाँ पे देखो बच्चे ने लिखा हुआ है ऐसा लग रहा था जैसे पेपर आपने ही बनाया हो वॉट एवर द रिजल्ट बी बट ऑल क्रेडिट गोस्ट टू यहाँ पे ज़्यादातर वो इसलिए बोल रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए ठीक है ना तो क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने कहाँ से बनाए थे मैंने ही बनाए थे क्वेश्चन कहाँ से बनाए थे द हिंदू में से बनाए थे तो क्या मेरे क्वेश्चन आते हैं नहीं मेरे क्वेश्चन तो बाय लक आ गए बेटा जी द हिंदू में से क्वेश्चन आते हैं हमें द हिंदू का क्वेश्चन कवर करने हैं वो जे एम आई यहाँ से हमें ये सीख मिलती है यहाँ से हमें ये सीख मिलती है तो हिंदू बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और कहां से करोगे okay, आप अगर कुछ और नहीं है तो अगर आपने नहीं आपका बैकलॉग है तो लॉगरी डॉट इन पर वन शॉर्ट्स वीडियोज अवेलेबल हैं ये सेवन टू एट आवर्स में आपका फुल मंथ जो है वो कवर करवा देंगी नो no डाउट ये रुपीज थ्री हंड्रेड की पर मंथ पर अवेलेबल है बट क्योंकि इसमें आपको मैगजीन डी जी नोट्स दिए जा रहे हैं पॉइंटर फॉर्मेट में और इन्हीं डी जी नोट्स को क्लासेस में समझाया जा रहा है ठीक है ना मैगजीन लोगे तो कोई समझाएगा नहीं याद नहीं करवा पाएगा यहां पर मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको याद भी करवा जाऊँ तो आप ये बाय कर सकते हैं ये जून से लेकर अप्रैल तक के आपको पूरे अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ जनवरी के डल चुके हैं फेब के डलने वाले हैं मार्च अप्रैल के भी डलेंगे या आप बाय कर सकते हो ठीक है अब ये तो मेरे रिसोर्सेज थे फ्री वाला मैंने आपको बता दिया पेड वाला मैंने आपको बता दिया अदर सोर्सेज बताना भी जरूरी है नहीं तो कमेंट में आप बोलोगे अरे ये तो अपना सामान बेच रही है तो आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो बट रेकमेंड नहीं करूंगी बट हाँ अगर आप कह रहे हो कि नहीं हमको आपका नहीं खरीदना है हमको कुछ और करना है तो प्रतियोगिता दर्पण में से कुछ क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं करंट अफेयर्स का डिलीट नहीं करना था ठीक है यहाँ पे हो गया करंट अफेयर्स का ये करना है लीगल एप्टीट्यूड ठीक है लीगल एप्टीट्यूड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भर के क्वेश्चंस आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है आप वो बाय कर सकते हैं देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी आपको वो यूनिवर्सल्स की बुक में से ही पढ़ना है जिसमें से आप स्ट्रैटेक्जी के कवर कर रहे हो इसमें से आपको थ्योरी पढ़नी है पहले और फिर एम लगाने हैं ठीक है ना ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है ये मैंडेटरी है आप मेरा कोर्स लेते हो तो स्पीड अप हो जाएगा ईजी हो जाएंगी चीज़ें बट ये ऑप्शनल है मैंडेटरी क्या है कि यूनिवर्सल्स में से आपको थ्योरी पढ़नी है और एम लगाने हैं लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स लॉगरी डॉट कॉम पर दी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट पी दिया हुआ है वहाँ से डाउनलोड करके याद करना है दो वीडियोज मैंने यूट्यूब पर हुई है वो जरूर देख लेना एक वीडियो करी हुई है कि कैसे लीगल टर्म्स याद करनी है वो भी जरूर देख लेना ठीक है लीगल जी के लीगल अवेयरनेस एमसी क्यूज नाम के दो चैप्टर्स होंगे यूनिवर्सल में से वो सॉल्व करने हैं दो चैप्टर्स होंगे एक में पीवाई क्यूज है एक में नॉर्मल क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वो चैप्टर जो है दोनों ही आपको सॉल्व करने रहेंगे यूनिवर्सल में से ये क्या है देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ यह बेसिक लॉज जो है हिंदू लॉज मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ ठीक है ना ये बेसिक लॉ जो है इसमें से क्वेश्चन निकाले हुए हैं लीगल जी में अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो एल ए एंड एल आर बाय विली में से आप पढ़ लीजिए ठीक है ना अगर आपके पास अच्छा टाइम नहीं है कम टाइम है स्पीड अप करना है तो यूनिवर्सल्स की बुक में से ही रीडिंग मारकर अच्छे से पढ़कर चले जाइए ठीक है प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी यूनिवर्सल्स में से सॉल्व कर सकते हैं आप लैंडमार्क जजमेंट्स और कमीशन एंड कमिटीज़ पे यूट्यूब पे मैंने यूट्यूब पे ये टाइप करना और लॉगरी टाइप कर देना पीछे आपको मेरी वीडियोज मिल जाएंगी इनके नोट्स बना लेना ये हो जाएगा प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप के क्वेश्चन लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी वो देख लेना आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे फिर बस प्रैक्टिस करना है यूनिवर्सल में से कर सकता हो अगर विली में से पढ़ रहे हो तो विली में से कर सकते हो टाइम ज्यादा है मोर टाइम तो विली में से पढ़ोगे लेस टाइम तो कहाँ से पढ़ोगे यूनिवर्सल में से ठीक है जी सिंपल इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश इंग्लिश के अंदर देखो यार सिंपल सी बात है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंटोनम्स सिनोनिम ठीक है ना एंटीसेंटी जो है इसको ऐसे बोलते हैं हम ठीक है एंटीसेंटी कहां से करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन uh, uh, हर रोज और करेक्ट स्पेलिंग्स ठीक है हर रोज ट्राई करो कि टेन टू ट्वेंटी ईच हमको याद करना है हर रोज टाइम निकाल के टेन टू ट्वेंटी ईच हमको ये याद करने हैं ठीक है एस पी बख्शी बुक के लिए जा सकते हो आप या कोई और इंग्लिश की बुक जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उसके लिए भी जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर ठीक है अब इसके अंदर सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया ठीक है ये सारे एनोलॉजी हो गया एनोलॉजी आर एस अग्रवाल में से सॉल्व करोगे ये लीगल ऐप ये लॉजिकल का टॉपिक है लॉजिकल की बुक में आपको ये टॉपिक मिलेगा ठीक है ना तो ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पहले कर देना और फिर आ जाना अपना टेंसेज प्रेपोजेशन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पास पैसिव एंड रिपोर्टेड एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट अरे एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट ठीक है जी तो ये आपको करने हैं ठीक है एसपी बख्शी में से कोई दिक्कत नहीं है ये हर रोज वाले टॉपिक हैं टेन टू ट्वेंटी जो जो मैंने ग्रीन करे हैं ये हर रोज वाले टॉपिक्स हैं और बाकी जो मैंने येलो करे हैं सॉरी फॉर द दबॉट ये आपको एक एक करके टॉपिक्स करने हैं मैथ और लॉजिकल जो है ये मिला करके टेन मार्क्स का है तो अगर टाइम मिले तो करना है छोड़कर नहीं जाना ठीक है क्योंकि हमको अच्छे नंबर लेने हैं और उनको पक्का काम करना है ठीक है ना अगर मैथ्स करोगे तो एटीन डेज वंडर बाय एस्टंद की बुक ले लेना ठीक है ना ये और भी एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड uh, uh, अगर आप ये सीरीज ब्लड रिलेशंस ऑड वन आउट ये सब कुछ करके जा रहे हो तो आर एस अग्रवाल की बुक या फिर अरिहंत की बुक आती है ठीक है लॉजिकल की उनमें से कोई भी बुक ले सकते हो ठीक है जी ये है उसके बाद अब हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं मैम हम क्या करें बोर्ड्स चल रहे हैं देखो यार वैसे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बोर्ड्स में आप 99% ले आओ ठीक है अगर आपको लॉ एंड लॉ करना है अच्छे कॉलेज से लॉ करना है किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करना है तो लॉ का पेपर अगर क्लियर नहीं करोगे तो एडमिशन नहीं होगी नाइन्टी नाइन परसेंट नो लॉ कॉलेज में कोई लॉ एंट्रेंस क्रैक नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर यहाँ पर सेवेंटी टू एट्टी परसेंट ले आते हो ठीक है और लॉ एंट्रेंस क्लियर कर जाते हो तो ये ज़्यादा फायदा रहेगा बट अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं भाई ट्वेल्थ में तो हमको चाहिए नंबर क्योंकि देखो अब तो सी भी देना पड़ेगा ना सी यू टी देना पड़ेगा अगर अच्छा कॉलेज चाहिए पड़ेगा तो ये था चलो ट्वेल्थ के मार्क्स भी डेली यूनिवर्सिटी मिल जाती ट्वेल्थ को क्यों इग्नोर करना है बट अब तो आपको हर जगह ही पेपर देना है ठीक है वट एवर अगर आप दे सकते हो दो घंटे एवरी डे इवन विद बोर्ड्स तो बहुत बढ़िया होगा मैं कहूंगी कि दीजिए दो से तीन घंटे अगर आप दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसके अंदर आप ट्राई करें कि फेब्ररी टू मार्च जब तक आपके पास बोर्ड्स का काम है ठीक है ना या फिर कोई ऐसा एग्जाम आ गया फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है तो ट्राई करो कि आप करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स जो है वन शॉर्ट्स लगा लो ठीक है अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो वो देखिए नोट्स द हिंदू बेस्ड होने चाहिए मैं बार बार बोल रही हूँ वन शॉर्ट्स लॉगिरी डॉट इन से ले लिए और देखने लग गए ठीक है थोड़े थोड़े देखे क्योंकि करंट अफेयर्स याद करने में टाइम लगता है अगर अभी से कर दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर आएगा वो टाइम आफ्टर बोर्ड्स इन मार्च आफ्टर बोर्ड्स इन मार्च जो है फिर तो बेटा जी टेन टू फिफ्टीन आवर्स का टेन टू ट्वेल्व आवर्स की सिटिंग फिफ्टीन आवर्स की सिटिंग दे करके आपको अपना फुल सिलेबस जो है जो मैक्सिमम सिलेबस है वो आप अपना कंप्लीट करोगे ऑब्वियसली वीडियोस भी आएंगे आप मुझे बता देना कब आपके बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं बट मेरी एक बात मान लो करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो और स्टैटिक जी के यूनिवर्सल में से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर आप इतना भी निकाल लोगे ना तो फिर आप एंड ऑफ मार्च और अप्रैल में इतना पढ़ सकते हो कि आप लीगल कर लो कि आप इंग्लिश कर लो ये वाले टॉपिक्स आपके हो जाते हैं ठीक है और थोड़ा बहुत मैथ्स लॉजिक भी कर लो ठीक है ना अगर आपको वीडियो चाहिए कि मैथ्स और लॉजिक में से हमें बताओ कौन से टॉपिक्स हैं जो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो फिर मैं वीडियो कर दूंगी कमेंट कर देना ठीक है और फिर मे के अंदर तो इलेवंथ हुआ आपका मे को एग्जाम है ठीक है ना तो अप्रैल के अंदर आपको शेड्यूल मिल जाएगा येस जिसके अंदर आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व करोगे जिसमें आप सिलेबस भी कंप्लीट करोगे पूरा अपने आप को पंप अप करो कि येस आई कैन डू इट मुझे अब अप्रैल के अंदर टेन टू ट्वेल्व आवर्स पढ़ना है अपने आप को रेडी कर लो उस चीज़ के लिए अगर आप अभी भी पढ़ सकते हो फुल टाइम दे सकते हो बोर्ड्स नहीं है या वट खत्म भी हो गए हैं बहुत बहुत बच्चों के स्टेट बोर्ड्स टू आवर्स यहाँ पर आप अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करोगे थ्री आवर्स करंट अफेयर्स को हर रोज देने हैं टू आवर्स अपना बाकी सब्जेक्ट्स को आप दे सकते हो ठीक है ना अब ये तो मैंने वैसे ही कहने के लिए टू आवर्स थ्री आर्स कह दिए जितने जितने दिन मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इन दिनों में आपको ये सारे चीज़ें खत्म करनी है मुझे नहीं पता रात को सो रहे हो नहीं सो रहे हो क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने आपको इतने दिन दिए हैं ठीक है ना इतने दिनों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलो यूनिवर्सल्स में से एम सी उसके साथ मुझे कंप्लीट चाहिए देखो कि मैं कितना पढ़ूँ कि पंद्रह दिन में दस बारह दिन में ये खत्म हो जाए वो डिवीजन आपको खुद करनी पड़ेगी साइंस के पाँच ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन सेवन डेज नहीं है साइंस के सेवन डेज के अंदर मैं साइंस के एम कितने लगाऊं और फिर रिवाइज भी मार लूं कितने कितने मुझे कवर करने पड़ेंगे ये डिवीजन आपको करनी पड़ेगी क्योंकि हर किसी की अपनी स्पीड होती है बट ये टारगेट्स हैं इतना तो आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है ठीक है लेक्चर्स हैं अगर आपने लॉगिरी डॉट के खरीदने हैं वो खरीदिए प्लीज द हिंदू होने द हिंदू बेस्ड होने चाहिए पढ़िए अपना ठीक है बाय ट्वेंटी फर्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ यू विल बी डन विद योर सिलेबस ठीक है पूरा सिलेबस होगा रिविजन स्टार्ट कर देंगे हम ठीक है रिविजन स्टार्ट कर देंगे और रिविजन के अंदर आपका टाइम कैसे जाएगा पहले रिविजन करनी है फटाफट से रिविजन का शेड्यूल बनाना है रिविजन कर देनी है मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं बीच बीच में मॉक टेस्ट यस आपको लगाने हैं यहाँ पे देख सकते हो मॉक टेस्ट लगाना है आपको यहाँ पर भी लगाना है येस वाइल प्रिपेयरिंग आपको पता चलेगा कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप अपनी प्रिपरेशन में ट्वीक लेकर आ सकते हो ठीक है मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है एंड फिर उसमें से स्ट्रॉग और वीक निकालने हैं टॉपिक्स ठीक है अगर ज्यादा टाइम दे सकते हो मान लो आपने चार दिन में ही मान लो स्पीड बहुत ज्यादा है चार दिन के अंदर ही खत्म कर दिया ठीक है पिछले दो दिन बच गए एक दिन बच गया तो नेक्स्ट टॉपिक उठा लो ट्राई करो कि यहाँ तक सिलेबस नहीं ट्वेंटियथ अप्रैल तक ही सिलेबस खत्म करो ट्राई करो फिफ्टीनथ अप्रैल तक हो जाए फिर देखो फिफ्टीन डेज फॉर एवरी थिंग आखिरी का मे तो छोड़ दो मे तो ऐसे निकल जाएगा ठीक है सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू ऑब्वियसली मे में रिविजन मॉकटेस ये सब चलेंगे ठीक है कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कौन कौन ये क्योंकि ये हर किसी के बस का काम नहीं है बहुत सारे बच्चे लिखते रहेंगे ओह हाँ ऐसा नहीं होता ठीक है ना गिव अप करने के लिए कुछ तो एक्सक्यूज़ देना है ना तो कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है कौन कौन सच में पढ़ने वाला है कौन कौन बोर्ड्स के साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो बोर्ड्स चैलेंज ज़रूर लिख कर जाना कि हाँ हम दो घंटे देंगे हम अपना करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के कंप्लीट करके आने वाले हैं या कुछ ना कुछ तो बहुत बहुत कंप्लीट करके आएंगे मार्च के एंड तक तो ये ज़रूर लिख के जाना कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मॉक टेस्ट के साथ जूम कॉल जो है गाइडेंस कॉल जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ग्रुप गाइडेंस कॉल ठीक है ना आ, वो अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात कर सकते हो अपने डाउट्स पूछ सकते हो वहाँ पर बट अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट पूछना चाहते हो तो आप क्यू एन ए सेशन में आ सकते हो जो कि हर संडे को इसी आ, Uh, इसी चैनल पे होता है टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हम इन्फॉर्म कर देते हैं तो वो लिंक हैंडल जरूर फॉलो कर लेना ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि अब पता चल जाए कि क्यू एन ए सेशन स्टार्ट हो चुका है और वीडियोज़ भी बहुत आएंगी कोई डाउट है कुछ भी है कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हो लिंक जरूर चेक करना मॉक टेस्ट के और अपने वीडियोज़ के जो वन शॉट करंट अफेयर्स हैं बिकॉज वो जामिया के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे हैं दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ फाइल्स यू सुपरसून बैन टेक केयर